हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने IQ3 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट अगर नहीं चल रहा है ना, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, अपने मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आपको बंद कर देना है। और यहाँ पर आपको जो है ना, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग को एक बार जो है रीसेट कर देना है। कई बार ऐसा होता है मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करती, जिसकी वजह से हमारे इंटरनेट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो आप अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए आप अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसके अंदर आपको है ना, सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको ये सबसे ऊपर रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। ये जो तीनों सेटिंग है आपकी, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग आपकी मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग में इंक्लूडिंग पहले से रहती है, तो आपको इसे जो है नीचे की साइड इसे रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पर अपने फोन का स्क्रीन लॉक एंटर करना है। इसके बाद आपको इसे राइट क्लिक करना है, तो आपको नेक्स्ट पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलेगा रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग। आपको इसे नीचे की साइड रीसेट सेटिंग पे टैप करना है, तो नीचे की साइड आपको लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को अगर रीसेट कर देंगे, तो आपके मोबाइल फोन में जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है, जो आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि यहाँ पर आपको जो है अपने मोबाइल फोन का सिस्टम एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है मोबाइल फोन के सिस्टम का जो है अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते, या फिर अपडेट आता तो हमें पता नहीं चलता है। तो मोबाइल फोन का सिस्टम जो है वो अपडेटेड ना होने की वजह से भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लग जाती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का सिस्टम अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है, देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू रखना है। इसके बाद मोबाइल फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। इसके अंदर आपको जो है ना, ये नीचे की साइड ऑप्शन ये मिल जाएगा सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड एंड इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे क्या होगा, आपके फोन का सिस्टम अपडेट हो जाएगा और आपके फोन में जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको एक काम और करना है। देखिए, आपने जो अपना इंटरनेट का रिचार्ज कराया होगा ना, वो भी आपको एक बार चेक करना है, कहीं वो खत्म तो नहीं हो गया। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन का इंटरनेट का रिचार्ज खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमारा इंटरनेट काम नहीं करता है, ठीक है ना, वो आपको भी चेक कर लेना है। अब दोस्तों, इसके बाद कुछ और भी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको अपने फोन की APN सेटिंग को आपको रीसेट करना है। कैसे करेंगे, मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसके अंदर आपको ना सबसे ऊपर की साइड ये ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क एंड इंटरनेट का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे टैप करना है। इसके अंदर आपको अपनी सिम सेलेक्ट करनी है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन टैप करना है। तो ये APN का पेज मिलेगा। APN के इस पेज में सबसे ऊपर ये 3 डॉट पे टैप करना है, एक छोटा सा पेज ओपन होगा रीसेट टू डिफॉल्ट का, इसे टैप करना है। नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग। तो आप इस तरीके से APN सेटिंग को रीसेट कर देंगे, तो आपके मोबाइल फोन में जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है, आपको अपने फोन को रीस्टार्ट कर लेना है। कैसे करेंगे, मोबाइल फोन के साइड वाला जो पावर बटन होता है, इसे उंगली से दबा के रखना है। स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है, तो वो दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए मोबाइल फोन हैंग करता है, इंटरनेट काम नहीं करता है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। अब इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस करना है कि आपको अपने फोन को रीसेट करना है। देखिए, आपको फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते, तभी आपको अपने फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना है। तो मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए आप मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको ये सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे, आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन में जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए। और दूसरी बात, आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की GMAIL ID और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले कर लेने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बता दिए, सारी यूज करिए, तो आपकी इंटरनेट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी।